ओम ती अरहम अडमो जिनाडम अडमो उड़ान गुरुडम अडमो विज्ञा गुरुडम मूक माटी महाकाव्य पेज नंबर 227 227। अब यहाँ पर जो वार्ता चल रही है सागर धरती प्रभाकर इन सब के बीच, सागर बदला लेना चाहता है धरती से और वह अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए एन केन प्रकारेण बहुत सारे कार्य कर रहा है। जैसे राजनीति ये कहती है, कूटनीति ये कहती है कि आपको जिसकी सत्ता समाप्त करनी है या तो डायरेक्ट जाके उससे लड़ो, अब डायरेक्ट जाके लड़ते नहीं बनता है तो आप उसका अपवाद इतना फैलाओ कि जो उसका जन समुदाय उसके फॉलोवर हैं वे अपने आप ही विद्रोह कर और आपकी शरण को स्वीकार कर लें। तो यहाँ पर भी सागर इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित कर रहा है कि पहले तो स्वयं जाकर उन बदलियों के माध्यम से और उनको तोड़ फोड़ कर मिट्टी को अपने में मिला लेना चाहता था, लेकिन अब सक्सेसफुल नहीं रहा तो क्या कर रहा है, इसलिए वो स्त्री जाति की निंदा करना प्रारंभ कर रहा है। इससे क्या होगा, स्त्री अपने आप में हीन महसूस करने लगेंगी और आगे के विषय में सोचेंगी नहीं। तो यही जो पुरुष प्रधान संस्कृति या पुरुष प्रधान सभ्यता हम चारों ओर देख रहे हैं उसका मूल कारण यही है कि चारों ओर जो स्थितियां बनी हुई हैं तो बड़ा व्यक्ति बड़ा आदमी बड़ा अस्तित्व वाला हमेशा अपने अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए बाकी सबको डाउनफॉल कराने में विश्वास रखता है। ये सब नीचे रहेंगे तो हम हमेशा ऊंचे कहलाते रहेंगे। जैसे बहुत अच्छी तरह आपने सुना होगा कि जहाँ एक बरगद का पेड़ लगता है फिर वहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो बरगद अपनी जड़ों को यूं फैलाता है, इतना विस्तृत फैल जाता है कि फिर वहाँ दूसरों को रहने का अस्तित्व नहीं मिलता। और यदि कदाचित कोई लगता भी है, कोई उग जाए नीम आदि, तो वे उसी के सहारे से जीना पड़ता है, उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार जो बलवान शक्ति संपन्न होते हैं वे सर्वदा इसी प्रकार का कार्य करते हैं। तो हमको क्या करना, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो डेवलप योरसेल्फ अपने आप को मजबूत बनाकर विकसित बनाकर पावरफुल बनाना, यदि नहीं बना सकते तो जो बड़ा है उसके सामने समर्पण कर देना कि भैया हमें स्वीकार करो और आपके अनुसार हमारे जीवन का निर्वाह करो। यही व्यवस्था है, इसके अलावा अन्य कोई व्यवस्था है नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं। अगर आप कोई अन्य उपाय ढूंढने के लिए चलेंगे तो जीवन पर्यंत पछतावा ही हाथ लगेगा। कितना ही बड़ा कार्य है, कार्य सर्वनाश को प्राप्त हो जाता। इसलिए अच्छी तरह इस बात को समझकर और सागर और यहाँ पर जो विवाद है उस विवाद से हमें जीवन के लिए मार्ग ढूंढना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। कूट कूट कर सागर में कूट नीति भरी है। कूटनीति को हम अपने शब्दों में कहते हैं राजनीति। तो यहाँ पर कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है, कूटनीति अर्थात राजनीति भरी है। पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ, पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना। उसने लक्ष्य बना के रखा है कि हमको तो सर्वनाश करना है, हमें तो कुछ गड़बड़ करना है। सागर ने जब संकल्प ले लिया, ये ध्यान रखो, दुर्जन व्यक्ति जब संकल्प लेते हैं तो महाप्रलय होता है, जो महान व्यक्ति संकल्प लेते हैं तो बहुत सुंदर निर्वाह निर्माण होता। इसलिए दुष्टों के कारण यहाँ चारों ओर माहौल बिगड़ने की संभावना जब दिखाई दे तब पावरफुल जो व्यक्ति बन रहा है वो कौन है किस रूप में है इसकी पहचान अनिवार्य होती है,
अन्यथा मार्ग से पतन नियत है। इसलिए सारे विश्व को आज अच्छी तरह बांग्लादेश की ओर अपनी दृष्टि करनी चाहिए। उसे क्या समझ में आएगा? उसे आपको अपना भविष्य समझ में आएगा कि जहां विपरीत शक्तियां पावरफुल होती चली जाती हैं, मजबूत होती चली जाती हैं, अत्याताई अत्याचारी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं, तब हमें बाहर के डेवलपमेंट से ज्यादा अंदर के डेवलपमेंट पर सोचना होगा। उस समय हमें इस चीज की मजबूती पर काम करना होगा कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज चल रही है कि एक तरीके से प्रभाकर ने बदलियों को अच्छी तरह समझाया, बदलियों को वापस भेजा, तो वहां सागर ने फिर प्लानिंग बनानी शुरू कर दी, क्योंकि दुष्ट अपना स्वभाव शीघ्रता से नहीं छोड़ते। इसीलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है प्रचुर प्रभुत समय देकर, और वह पुरुष हैं तीन घन बादल। अभी क्या स्त्रियां भेजी थी बदलियां, तो स्त्रियां तो बदल कर आ गई, और स्त्री जाति के स्वभाव को पर अब उन्हें विश्वास नहीं, क्योंकि ये स्त्रियां तो एक क्षण में बदल जाती हैं। कल तक मायके में थी, आज ससुराल गई, तो मायके की बुराई ससुराल में करनी शुरू कर दी, ससुराल से फिर मायके गई, हाँ सावन रक्षाबंधन आ रहा है, वहां जाएंगी तो क्या करेंगी, वहां अपने ससुराल के सारे राज मायके वालों को सुना देंगी। बस यही तो इनका एक प्रकार से कार्य है। कौन कह रहा है ऐसा? सागर कह रहा है कि हमको इन पर कोई विश्वास नहीं है। जब ये एक क्षण में बदलने में आतुर हैं, सबको छोड़ने में पुरुषार्थशील हैं, तो हम इन पर विश्वास करें भी तो कैसे करें। इसलिए उसने इस बार पुरुषों को प्रशिक्षित किया और पुरुषों को भेजता। बदलियां नहीं, दल बदलने वाली, झट सी दया से पिघलने वाली। स्त्रियों का स्वभाव कैसा? सामने वाला रोया और आपने अपना सब कुछ खोया, बस ये उनका स्वभाव था। इसलिए इन्होंने कहा नहीं नहीं, अब स्त्रियों को हम नहीं भेजेंगे, कि थोड़े से दया पर ये अपने कार्य को ही तिलांजलि देकर और आगे बढ़ जाती हैं। सो इनका ये मार्ग हमको रुचता नहीं। शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य है, इसका जघन्य परिणाम है, जघन्य ही काम है, और घन इनका नाम है। बादलों का दूसरा नाम क्या है? घन। तो घन क्यों कहा? क्योंकि इनका काम जघन्य है, जघन्य मतलब निचले स्तर का काम है, और जघन्य ही इनका परिणाम है। अत्यंत निंदनीय कार्य को करते हैं, इसलिए ये घन है। सागर में से उठते उठते छार पूर्ण नीर भरे क्रम क्रम से वायु यान सम अपने अपने दलों से आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल, सहचर की शंका से ही मानो बार बार इससे आ मिलता। पहला, अब देखो सागर ने व्यवस्था बनाई है, अभी तक तो तीन शुक्ल लिश्याएं गई थी, अब तीन कृष्ण लिश्याएं जा रही हैं, क्रूरतम प्रवृत्ति के व्यक्ति भेजे जा रहे हैं। तो पहला काली कलर का भयानक काला बादल, इतना काला कि भ्रमर जो भौरा था, वो भौरों का एक समूह जो अपने दल से बिछर गया, उसको देखता है तो सोचता है यही हमारा समूह है, और उन बादलों के साथ लग जाता है। लेकिन आगे चलकर उसे पता चलता है कि ये तो कुछ और है, और निराश ही लौटता है, यानी भ्रमर से भी अधिक काला पहला बादल दल। फिर दूसरा दूर से ही विष उगलता विषधर सम नीला, नील कंठ नील लीला वाला, जिसकी आवा से पीकी पकी पीली धान की फसल खेत भी हरिताभा से भर जाती है, और अंतिम दल कबूतर रंग वाला है। यूं ही तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं। पहला एकदम काला, कृष्ण लिश्या का प्रतीक। दूसरा उससे थोड़ा हल्का,
लेकिन अत्यंत डार्क नीला, ये नील रेशा का प्रतीक, और अंतिम कबूतर के रंग वाला पीत रेशा का प्रतीक है यह। दूसरा कैसा है? दूसरा, दूर से ही विष उगलता, जहर को उगलने वाले विषधर अर्थात भयानक किसी सर्प के समान नीला है, जिसका कंठ भी नीला है तो नील कंठ लीला वाला, जिसकी आवाज से पकी पीली धान्य की खेत भी हरिताभा से भर जाती है, और अंतिम दल कबूतर रंग, कबूतर के रंग वाला है, जिसमें ब्लैक एंड ब्लू दोनों का मिक्सअप है, ऐसा रंग है। यूं ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित हैं। ये सिद्धांत दिखला रहे हैं आपको कि जिसकी जैसी लेशियां बाहर से होती है तदरूप उसका परिणाम भी होता है, या यूं मानो कि जिसका बाहर में जैसा रंग प्रतीत आ रहा है उसके अंतरंग का परिणाम भी इस प्रकार का रहा होगा। अभी बदल गया? हाँ, अभी बदल सकता है। जैसे भगवान अरिष्टनेमीश्वर, अरिष्टनेमीनाथ भगवान नीले रंग के हैं, श्री राम भगवान नीले रंग के हैं, लेकिन वो पूर्व में तदरूप परिणाम के निमित्त से शरीर को धारण कर यहाँ पधारे हैं, लेकिन अभी उनके परिणाम ठीक चल रहे हैं। लेकिन सब में ऐसा हो ऐसा संभव नहीं। जिनका जैसा रंग होता है वैसे ही उनका ढंग होता है, ऐसा यहाँ उन्होंने बादलों के माध्यम से समझाया कि वे तीनों जैसा उनका मन दूषित है वैसे ही उनका तन का रंग दूषित हो गया। ये क्या समझा रहे हैं? ये यहाँ पर अच्छी तरह लेशियाओं के परिणाम समझाने का प्रयास गुरु महाराज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उपर्युक्त ये तीन बादल जैन सिद्धांत में कथित तीन अशुभ लेशियाओं के वाचक हैं, जो कृष्ण, नील और कापोत, कापोत का अर्थ ही होता है कबूतर, तीनों रंग से ये तीन परिणतियां बनती हैं। लेशियाएं क्या हैं? लेशियां अर्थात योगों से, कषायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, अर्थात अपनी आत्मा के वे परिणाम जो कषायों से लतपत होते हैं, ये तीन अशुभ होते हैं, जो अशुभतम, अशुभतर और अशुभ, फिर शुभ, शुभतर और शुभतम, ऐसे परिणाम चलते चले जाते। इनके लक्षण इस प्रकार हैं। पहला कृष्णलेशिया, कृष्णलेशिया वाला कैसा होता है? तो कहते हैं बुरे विचार करना, बुरे विचार करना, बात बात में क्रोध करना, दूसरों से घृणा करना, दया धर्म से रहित होना, बैर भाव रखना, शोक संतृप्त रहना, शत्रुता को ना छोड़ना आदि कृष्णलेशिया के परिणाम हैं। हाँ, अच्छी तरह अपनी अपनी समीक्षा करना। जब भी लक्षण बतलाए जाते तो लोग पड़ोसी को देखने लगते, हाँ इसका लक्षण कैसा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी तो लक्षण सुन के स्वयं की परीक्षा करना कि ये कहीं ये परिणाम हमारे तो नहीं है। तो अच्छी तरह कृष्णलेशिया के परिणाम को देखो, कहीं हम निरंतर बुरे विचारों में तो नहीं उलझे हैं, कहीं हम बात बात पर क्रोध तो नहीं करते। छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध आ रहा हो तो अभी रुक कर, ठहर कर और अपने परिणामों की समीक्षा करने का समय है। फिर दूसरों से घृणा करना, फिर दया धर्म से रहित होना, बैर भाव रखना और शोक संतप्त रहना, शोक में निरंतर डूबे रहना और शत्रुता को नहीं छोड़ना। अब कहते हैं नील रेशा के परिणाम, ये तो वर्स्ट परिणाम है, लेकिन इनसे भी अच्छे से थोड़े कम अच्छे परिणाम भी होते हैं। वे नील रेशा के, वे कौन से हैं? तो आलसी होना, किसी भी कार्य को करने में प्रशस्तता नहीं होना, किसी भी कार्य को करते हुए परिणामों का अच्छा नहीं होना, बुद्धिहीन होना, बुद्धिहीन होना मतलब विवेक से रहित तो होना, किसी भी कार्य को करते समय अविवेक प्रवृत्ति से कार्य करना, कामी होना, भोगी होना, डरपोक होना, ठगना, परवंचना में दक्ष, दूसरे की बुराई करने बैठ जाए तो
अच्छाई को भी बुराई के रूप में प्रतीत करा दे। हाँ, आप लोग अच्छी तरह देखना, कभी भी किसी के सुनकर किसी के प्रति मंतव्य मत बनाओ। देखो अभी अभी एक रिसेंट आपको संस्मरण सुनाते। मुझे एक कार्य था, तो मुझे एक सर से, एक ऑफिसर से मिलना था, ठीक है। तो एक व्यक्ति हमको बोला, अरे उनका स्वभाव तो बहुत गड़बड़ है और वो एक धर्म विशेष के हैं, तो उनकी एक धार्मिक मान्यता कट्टरता में है, वो दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझते। इस प्रकार से उन्होंने उनकी छवि हमारे दिमाग के सामने अंकित कर दी। अब हम उनके पास जा रहे थे तो हमारे दिमाग में सेट था, वो व्यक्ति इस धर्म से हैं और उस धर्म के होने के कारण उनकी मानसिकता ऐसी ऐसी है और वो हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमको, हमारा काम है तो हमको उन तक मिलने जाना है, ठीक है। जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां मैंने उनसे जैसे ही उनको कॉल किया मिलने के लिए, तो एकदम छवि बदलने लगी। जो सेटअप थी वो एकदम विपरीत है, वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छी तरह पोलाइट की बात कर रहे हैं। फिर उनके पास गए, फिर मैंने उनको बात किया कि सर अभी तक ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो वो हमको बोलते हैं हमसे फोन चलाते नहीं बनता। और तो ये मतलब जैसी किसी की छवि आपके सामने प्रस्तुत की जाए, वास्तविकता में वो व्यक्ति वैसा ही है, ऐसी इंटेंशन में मत लाओ, बल्कि हम खुद उस व्यक्ति से मिल करके और उसके बारे में विचार और धारणाएं बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए ये यूट्यूब की, फेसबुक की, इसे मल्टीमीडिया की जो दुनिया है, सोशल मीडिया की जो दुनिया है, इस दुनिया में हमको बाहर से लोग बहुत अच्छे दिखाई देंगे, उनकी बातें, उनका रहन सहन, उनका आचरण सब कुछ बहुत परफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ओरिजिनली वास्तविकता में वह कैसे हैं वो जब तक आप मिलेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं। इसलिए पहले बिना मिले उनके विषय में कोई निर्णय बनाने की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट 5 मिनट का एक क्लिप, एक वीडियो देखकर आप उसके जीवन भर का पूरा सार बना लेते हैं और अपने जीवन को उसके जीवन से जोड़ लेते हैं या उसके अनुसार चलने को तत्पर हो जाते हैं। ये हमारी अपनी अज्ञानता है, तो इस अज्ञानता से इस समय में बचने की बहुत आवश्यकता है। आपके जो बच्चे हैं 12-14 वर्ष के, वो चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, सबको इस विषय को आपको समझाना चाहिए, खुलकर उनके सामने ये बात रखनी चाहिए कि ये उम्र एक प्रकार से अट्रैक्शन की उम्र होती है। और साथ में उनके पास मोबाइल नाम का एक यंत्र है जिसके माध्यम से उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन लिमिटेड थे तो अपराध लिमिटेड थे, आज ऑप्शन अनलिमिटेड है तो अपराध की दुनिया भी अनलिमिटेड होती चली जाए। इसलिए उनके सामने परिणामों को समझने का, उनके सामने निर्णय की शक्ति का अच्छी तरह, उद्देश्य क्या हो, कैसा हो, सामने वाला व्यक्ति कैसे दिख रहा है और कैसा होगा, इसके विषय में जानकारी होनी अनिवार्य है। बाकी हम ग्लोबल वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया सिमट रही है, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र लेकर चल रहे हैं, तो वसुधा को कुटुंब बनाने के चक्कर में कहीं अपना ही कुटुंब, अपना ही परिवार समाप्ति की ओर तो नहीं जा रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ी। फिर आहार आदि संज्ञाओं में आसक्त, जो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं होती हैं, तो इन चारों संज्ञाओं में कहीं वह आसक्त तो नहीं है। आसक्त मतलब अत्यंत डूबा हुआ, बस इनमें ही प्रवृत्ति चलती रहती है, बस इसके सिवा और कोई विचार उसको आता ही नहीं। फिर कहते हैं अति लोभी, जिसको खूब अत्यधिक लोभ हो, पानी की खूब चाहत हो। फिर सदा मान सम्मान पाने के भाव रखने वाला आदि, ये कौन सी लेशिया है, ये नील लेशिया के परिणाम है, तो इनको छोड़ने का प्रयास करना है। अच्छी तरह आज आपको बैठ के अपने परिणामों का एक थर्मामीटर लगा के चेक करना है कि हम किस लेवल पर हैं, कृष्ण तो नहीं, कहीं नील तो नहीं, ये दोनों नहीं, तो अभी हम बेटर हैं, कहाँ हैं तो उसकी चर्चा करते। तो तीसरी लेशिया है कापोत लेशिया, कापोत लेशिया वाले के परिणाम कैसे हैं तो बतलाते, पर निंदा, दूसरे की बुराई करना, बस एक ही उद्देश्य लेकर चलता है, हमें दूसरे की बुराई करना है।
जब भी कोई किसी का नाम उसके सामने बोले तो उसके मुख से हमेशा एक नेगेटिविटी झरती है। देखो अगर आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, एक अच्छा काम आप करना सीख जाएं, क्या कभी भी किसी भी स्थिति में किसी के बारे में भी कुछ भी बुरा नहीं बोलना। बस एक नियम ले सकते, बहुत अच्छा नियम है ये, कभी भी किसी भी स्थिति में परिस्थिति में किसी के विषय में भी हमको बुरा नहीं बोलना। देखो एक शख्स इस धरती पर एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व हमने अपने जीवन में देखा, बाकी इतने सारे लोग आए गए रहे, देखे प्रवचन सुने, उनसे मिले, उनके पास गए, एकमात्र आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ऐसे थे जिन्होंने अपने इस पवित्र मुख से पिछले 56 वर्ष में आज तक किसी की बुराई नहीं की, बल्कि कदाचित कभी कोई उनके सामने प्रसंग अवसात किसी के बारे में कुछ बोलने लगता तो वो तुरंत इशारा करके मौन ओम बोल देते थे, ओम, तो चुप हो जाता था सामने वाला। मतलब बुराई करना तो दूर, बुराई सुनना भी जिनके स्वभाव का विषय नहीं हो, ऐसा विराट व्यक्तित्व तो अब मिलना कठिन है। हाँ इसलिए हम कहते अब आचार्य बनना आसान होगा लेकिन आचार्य विद्यासागर जी बनना अब बहुत कठिन होगा। सबके सामने साधु मिलना सरल होगा, प्रवचनकार मिलना सरल होगा, आध्यात्मिक योगियों का मिलना सरल होगा, लेकिन आध्यात्म में जीने वाला वक्ता अब मिलना कठिन होगा। इसलिए हमको बहुत अच्छी तरह इस विषय को समझना। सेकंड है आत्म प्रशंसा, हमेशा अपनी प्रशंसा में डूबे रहना, मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया, नहीं ऐसा नहीं। आप लोग कहते आप अपने सम्मान समारोह में एक समारोह आयोजित कर लो, ध्यान रखो दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने से भी अपना नीच गोत्र का आश्रय होता है, इसलिए ना आत्म प्रशंसा करना ना ही आत्म प्रशंसा सुनना। अभी तो ये विचार करो आपके हृदय में यदि हमारे प्रति अच्छे परिणाम हैं तो आप जगत को कहो हमें मत कहो, जगत को कहने से आपका उच्च गोत्र का आश्रय होगा और सामने वाले को आदर्श मिलेगा, लेकिन हमारे सामने हमारी प्रशंसा करने से हमारे नीच गोत्र का आश्रय होगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 8 नवंबर के दिन उज्ज्वर का अंतिम दर्शन जो हमको हुआ, तो उस दिन आचार्य महाराज के सामने में उनकी प्रशंसाओं में बहुत लंबी लंबी बातें बोल रहा था, बोलते बोलते हमारे मुख से निकला कि वे इस सदी के जीवंत आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव के जीवंत समय सार। तो आचार्य भगवंत ने इशारा करते हुए हमसे कहते और मैं डर गया, पूरा एकदम मैं अंदर से कांप गया। तो इतनी बड़ी आध्यात्मिक योगी, आध्यात्मिक युग पुरुष होने के बाद भी उनके अंतरंग में ये भावना नहीं कि कोई प्रशंसा करे, मतलब एक शब्द अपनी प्रशंसा का भी सुन ना सके, और तुरंत उन्होंने हमको रोक दिया। पूरा अंदर से मतलब वो फीलिंग मुझे आज तक आती है कि मैं पूरा अंतरंग से कांप गया। गुरु महाराज का वह अंतिम दर्श जीवन पर्यंत आंखों के सामने बना रहेगा, अद्भुत उनके दोनों चरणों को छूना, उनसे लगभग 10-20 मिनट तक वार्ता होना, फिर उसके बाद 16 मिनट तक उनका हम लोगों को मार्मिक उपदेश देना, शिक्षा देना, और बहुत अच्छी तरह वो आधा घंटे का समय जो मिला था वो मतलब दुनिया में एक अलौकिक स्थिति पर उस समय हम लोग थे जब गुरु महाराज ने वो समय हमको दिया था, और उनके सामने एक एक शब्द को बोलते समय मैं बहुत सतर्क था, बहुत स्पष्टता चाह रहा था कि एक माहौल अच्छा बने, लेकिन वहां पर गुरु महाराज ने आत्म प्रशंसा का एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। ये सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि हम लोगों को तो आप में हमने वर्धमान महावीर देखे, कुंद कुंद देखे, समंत भद्द देखे, हमारे लिए तो सब कुछ आप हैं, लेकिन उनके लिए तो वे एकमात्र छोटे से आचार्य हैं, ऐसा उनको देखने में लगता। इसलिए हमको हमेशा जीवन भर ये ध्यान रखना कि आत्म प्रशंसा में मुग्ध नहीं होना, कार्य करो, कार्य की प्रशंसा जगत करेगा, नहीं करेगा तो वो उनकी परेशानी है। आत्म प्रशंसा के चक्कर में हम कहीं आत्म उन्नति के बाधक तो नहीं बन जाएंगे, इस पर विचार करना। फिर आगे कहते हैं बात बात में नाराज होना, अपने मन की नहीं हुई तो
प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर घबराहट होना तो यह भी नहीं करना। फिर कहते हैं शोकाकुल होना, शोकाकुल मतलब शोक में डूब जाना। देखो परिस्थितियां विपरीत आने पर शोककुल होना, शोक में शोक संतप्त होना ठीक है, क्षण मात्र के लिए शोक आया, आकर तुरंत अपने आप को समझाकर मार्ग में आगे बढ़ो, क्योंकि मार्ग बहुत विस्तृत है और समय थोड़ा सा है, इसलिए समय का सदुपयोग करने का जो संकल्प आपने बनाया वो बहुत उन्नत है। हाँ, मूक माटी के माध्यम से जीवन को निर्मल बनाते चले जाओ, क्योंकि इसका एक एक शब्द लिखने वाले महाकवि ने उस एक एक शब्द का अक्षर सा जीवन पर्यंत पालन किया है। ध्यान से सुने, मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े बड़े आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा, हमने उनको अपनी आंखों से देखा नहीं, इसलिए हम कह नहीं सकते कि लेखक की लेखनी में और करनी में क्या था। वर्तमान में जो बहुत सारे लोग प्रवचनकार हैं वो बोलते तो कुछ हैं और उनके जीवन को देखने पर कुछ और दिखाई देता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एक्टर्स हैं, राजनेता हैं, अभिनयकर्ता हैं, बहुत लोग दुनिया में हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में जो चल रहा है वो लेखनी के विपरीत दिखाई दे सकता है। लेकिन ये एक ऐसे महाकवियों और ये दुनिया का एक ऐसा महाकाव्य है जिसका एक एक शब्द उनके जीवन की जीवंत छवि है, क्योंकि वो हम लोगों ने अपने इन पुण्यशाली नेत्रों से देखी है। और अनुमोदना हम लोगों को करनी चाहिए अपने दिव्य और भव्य विशाल पुण्य की, जिसको उनके पवित्र दर्शन हुए, उनके पवित्र स्पर्शन हुए, उनके पवित्र जीवन से जुड़ने का लाभ मिला। हाँ, अब बहुत आचार्य परंपरा में आएंगे, क्यों, परंपरा विस्तृत है, हजारों सालों तक जानी है, तो हमें सब आचार्य, सर्वाचार्य और सर्वश्रेष्ठ पद के रूप में विसदा स्वीकृत हैं, लेकिन नैना आज भी ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं कि वे कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे। इसलिए हमेशा नयनों को यही विश्राम शांति है कि अब जो दृश्य पूर्व में देखे उन्हें अनुभूत करना, उन्हें स्मरण करना और उन क्षणों को बार बार याद करके आत्म विशुद्धि बढ़ाना। रोना नहीं, शोकाकुल नहीं होना, संतप्त नहीं होना, आत्म विशुद्धि की वृद्धि हो, आत्म परिणामों की निर्मलता बढ़े, और आत्म परिणामों को समझाओ कि देखो किस तरीके से परिवर्तनशील इस जगत में सब कुछ बदल रहा है और बदलेगा। ओम सिद्धम। पेज नंबर 228 पर मीमांसा बादलों की जाएगी, उसे हम आगे देखेंगे।